नगरपालिका क्षेत्र चाकसू में पालिका की अनुमोदित IDSMT कॉलोनी रेलवे स्टेशन में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की भव्य नीलामी का आयोजन किया गया। इसी को लेकर हमारी संवाददाता मंजू अमर डाबी ने चाकसू नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश बैरवा, उपाध्यक्ष सीताराम गुर्जर, अधिशासी अधिकारी नगेंद्र से खास बातचीत की है। आज हम पहुंचे हैं जयपुर जिले के नगरपालिका चाकसू नगरपालिका क्षेत्र में, जहाँ पर जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ आज भूखंड नीलामी का आयोजन किया गया है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे चाकसू नगरपालिका क्षेत्र के नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश बैरवा जी और उन्हीं के साथ उन्हीं के सहयोगी वाइस चेयरमैन हैं सीताराम गुर्जर जी, जिनसे हम बात करेंगे जो आज भूखंड नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, इस उपलक्ष में ही कि ये आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इससे जो राजस्व प्राप्त होता है वो कहाँ उपयोग करते हैं, इनकी क्या योजनाएं हैं, नगरपालिका क्षेत्र को इन्होंने कितना धरातल पर विकसित किया है, उसी चर्चा में आज हम इनसे बात करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला तो सवाल आपसे ये है कि जो 3 दिन से भूखंड नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, ये करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, इसे जो राजस्व प्राप्त होता है उसका उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? जो ये उद्देश्य है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी जी, जो चाकसू के लोकप्रिय MLA हैं, उनका एक सपना है कि जो चाकसू के अंदर जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तत्व के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों को अपना खुद का आशियाना मिले, खुद का मकान मिले। क्योंकि हमारे पहले चाकसू के अंदर 25 वार्ड थे और अभी जनसंख्या के आधार पर उनके 35 वार्ड कर दिए गए हैं। और इसी जनसंख्या के लोगों के, जो गरीब और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनको खुद के मकान नहीं हो पाए। ये पुरानी स्कीम कटी हुई है हमारी, ये तकरीबन 60 बीघा की स्कीम है, जिसमें 364 के लगभग प्लाट हैं और 108 इनमें दुकानें हैं। और चाकसू से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं और 500 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है। अभी तक आपने कितने मजदूर लोगों को और आशियाना मतलब दे चुके हैं आप? ये हमने जो हमारी पहली स्कीम है, प्रथम मेरी नीलामी है ये, और हम यहीं से इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें करीब 150 एक प्लाट लमटम जो हम जो है उनकी हम नीलामी करेंगे और फर्स्ट नीलामी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद में 2 तारीख को हमारे जो IDSMT कोतखावदा रोड पर जो है उसकी भी हमने नीलामी निकाल दी है और जल्दी उनकी भी नीलामी की जाएगी। अब अभी आपने बोल रहे हैं कि यह पहली आपकी नीलामी है, इसके बाद आप जो योजनाएं लेकर आते हैं धरातल पर, अभी तक आप कितनी योजनाएं लेकर आए हैं जनताओं के लिए जो अभी तक कार्य कर रही है? जैसे योजनाओं की बात करें, जैसे IDSMT ये कॉलोनी है, ये बहुत दिनों से नहीं बिक पा रहे थे। हमने इसको वापस से डेवलपमेंट किया, रोडें बनवाई, वापस लाइटों की व्यवस्था कर रहे हैं, जो पानी की टंकी बनी हुई है, इनकी व्यवस्था पहले नहीं हो पाई थी, किन्हीं कारण वैसे नहीं हो पाए थे हम, लेकिन हमने इसकी प्रक्रिया स्टार्ट की। लोगों को मकान मिलेंगे, उनके जो आय होगी, अभी जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया कि जो इनसे हमारे पास आय होगी, तो चाकसू के अंदर आज से, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, जो 15 सालों से जो विकास नहीं हुआ, आज दिन तक जो विकास नहीं हुआ, जो इसे रोड लाइटें हमने लगवाई, डिवाइडर नहीं थे, रेलिंगों की व्यवस्था नहीं थी, वो सब कुछ काम हमने करवाया है। तो इनकी जो आई होगी, हम उनसे विकास करवाएंगे। और जैसे अभी जैसे सरकार के द्वारा जो अभियान पट्टों का चल रहा है, उनमें भी हम अभी दूसरे नंबर पर हैं। करीब 1600 से 1700 पट्टों के आसपास हमने पट्टे बांटे हैं। तो हमारे जो लोग, जो सरकार की जो योजना है, उनमें भी हम लगातार जारी हैं। पर अभी मैं सीताराम जी से बात करना चाहूँगी। सर, अभी जो भी ये योजनाएं चल रही है आपकी धरातल पर, कौन कौन सी योजना है जो अभी कार्य कर रही है या देखने को मिल रही है? हमारे चाकसू नगर पालिका में, जयपुर ज़िले में शायद ये पहली नगर पालिका होगी जिसने हमारे बोर्ड को मने 2.5 साल हो गए। ये हमारे चेयरमैन साहब कमलेश जी और मैं खुद, दोनों हम गरीब परिवारों से हैं और हम स्वयं भी ढाणियों में निवास करते हैं। और हमारा जो प्रमुख उद्देश्य इस बोर्ड का था, वो ये था कि हमारा जो चाकसू है, ये अधिकतर ग्रामीण ढाणियों में बसा हुआ है। तो हम ये चाहते थे कि भाई, जो ग्रामीण एरियो में जो हमारा चाकसू बसा हुआ है, वह प्रत्येक ढाणी में जाने के लिए रोड होनी चाहिए, रोड लाइट होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और शायद पट्टे के मामले में भी जो चाकसू नगर पालिका है, वो कहीं भी पीछे नहीं है जयपुर ज़िले में। आज जो नीलामी होने जा रही है, इसी कड़ी में आज हम जानेंगे चाकसू नगर पालिका क्षेत्र के EO नगेंद्र जी से कि जो नीलामी हो रही है, अभी तक 2 दिन में कितनी नीलामी हो चुकी है आज और कल में, और अब कल कितनी नीलामियाँ होने जाएंगी? कल कोई नीलामी नहीं हुई, आज नीलामी हो रही है प्लॉट नंबर 44 से 59 तक की।
नगर पालिका की काटी हुई स्कीम है, पुरानी 20 साल पुरानी, आज उसको डेवलप कर रहे हैं अच्छी तरह से, प्रचार प्रसार खूब किया गया। अच्छा रिस्पॉन्स बोल रहा है, कम से कम 44-45 आदमी भाग लिया हमें, तभी बोली चल रही है। कर नीलामी का आयोजन 3 दिन से लगातार किया जा रहा है, इसका जो भी राजस्व प्राप्त होता है वो जनता के लिए विकास कार्यों में लगाते हैं और आगे भी ये विकास कार्यों को लेकर लगातार अपने कार्य करने में प्रगति पर है और लगातार जनताओं को इसी तरह सुविधाएं वो देने के लिए अभी तैयार है। कैमरामैन आशीष वर्मा के साथ मंजू अमर डाबी, खबर फास्ट, जयपुर।